हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और भगवान करे, माता रानी करे कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकू और स्वागत है आपको अपने चैनल गुनगुनाती किचन ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रहा है पारण के लिए खाना, मतलब कि 9 दिन का मेरा फास्ट था, तो अब मैं दशहरा में ही पारण करूँगी। तो दशहरा मतलब 11 बजे के करीब में हो रहा है और 12 तारीख को सबको पता है, तो वही मैं पारण करने के लिए यहाँ पे बना रही हूँ। और नवमी में मैं कन्या पूजन की थी, तो मैं बहुत सारा ऐसा साधु संत लोगों का देखी थी वीडियो कि जो नवमी का पारण वाला प्रसाद होता है, जो कन्या आप खिलाए रहते हो, उसमें का चाहे हलवा या खीर कुछ भी प्रसाद खा के व्रत तोड़ना चाहिए। तो मैं कल का ही रखी हूँ वो खीर, तो वो पहले खा लूँगी, इसके बाद खाना खाऊँगी। तो दशहरा के दिन कढ़ी चावल बड़ी पकौड़े दही बड़ा ये सब बनता है हम लोग के इधर, तो वही मैं ये सब बना रही हूँ कि बन भी जाएगा और पारण भी हो जाएगा। और मैं प्रसाद डाल के मुँह में पहले और वो व्रत तोड़ूँगी और साथ में फिर इसके बाद में ये सब बना रही हूँ पारण के लिए। तो फ्रेंड, ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा मेरी अगली वीडियो के लिए। तो देखिए कि मैं क्या क्या बना रही हूँ, और हम लोग कहीं जाने वाले भी हैं, तो प्लीज़ ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। और आप लोग के यहाँ किस तरीके से पारण होता है, क्या खा के आप लोग व्रत तोड़ते हैं और कैसे क्या करते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मेरा कढ़ी बन गया था, चावल बन गया था और सब्जी भी बन गया था, और मैं यहाँ पे पकौड़े तल रही हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ चटनी बना लूँगी। तो ये देखिए, हमारा सारा खाना बनके हो गया है रेडी, कढ़ी चावल सब्जी पकौड़े चटनी आलू चना का सब्जी और आलू गोभी का सब्जी, और ये सब बन गया है। तो आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स, और चलिए अभी हम दे के इनको आते हैं, फिर हम पारण करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और भगवान करे, माता रानी करे कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और माता रानी के मंदिर जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं कामाख्या स्थान। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम आप लोग को भी दर्शन कराएंगे, और जितना हो सकता है, क्योंकि मंदिर के अंदर तो जाता नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं कराने की कोशिश करूंगी। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कॉल आ रहा है, मैं जल्दी से जा रही हूँ। चलो नीचे, चलो नीचे, चलो जल्दी, चलो चलो बाबू नीचे, चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग अष्टमी के दिन का ही है, हम लोग मंदिर गए थे सुबह में, तो बस उसी दिन का ये ब्लॉग है। तो अभी जो मैं पारण का थोड़ा सा क्लिप बनाई थी वो भी इसी में ऐड की हूँ। तो हम सभी लोग जा रहे हैं मंदिर, और ये जो बगल में बैठी है ये मेरी मम्मी है, माँ है मेरी, और गुनगुन और आदि जा रहे हैं, और आगे ये जो है मेरा भाई ये चला रहा है गाड़ी, और ये है भाई की वाइफ, छोटी है मेरे से, तो हम लोग की तरफ भाभी, छोटी को भाभी नहीं बोला जाता है लेकिन हाँ भाभी है, और बाबू है छोटा सा एक वो है। तो अभी हम लोग जाएंगे मंदिर दर्शन करेंगे, लेकिन भीड़ तो आज बहुत ही होगी, मतलब बहुत ज़्यादा वाला भीड़ होगी, लेकिन अगर माता रानी अपनी कृपा से बुला रही हैं तो हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि मन में ऐसे ही आया कि नहीं चलते हैं हम सभी लोग और माता रानी का दर्शन करके आते हैं। तो ये देखिए नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो अभी चलते हैं मंदिर में। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, आप लोग को भी हम दर्शन करवाएँगे फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, हम लोग आ गए हैं मंदिर, अभी हम लोग यहाँ से प्रसाद लेंगे, वो जो नारियल होता है और रुमाल या गमछा जिस चीज़ में चुन्नी में बांध के लोग देता है प्रसाद माता रानी का, तो वो सब हम लोग यहाँ पे लेंगे। और ये देखिए अभी सभी लोग आ गए हैं यहाँ पे प्रसाद लेने, और अभी हम लोग प्रसाद लेके चलते हैं मंदिर में। Thank you.
तो यहाँ पे हम लोग का हो गया है प्रसाद, और ये डिसाइड हो रहा है कि कितने जगह प्रसाद लिया जाए और कि सभी लोग चढ़ाएंगे ऐसे ऐसे करके। और ये देखिए हम लोग पानी देख रहे थे कि नारियल में पानी है कि नहीं हिला के, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सूखा भी हो जाता है, तो इसलिए हम लोग देख रहे थे। और मैं यहाँ पर देख रही थी कि कोई दुपट्टा अच्छा मिल जाएगा चुन्नी टाइप, तो वही ले लेंगे। तो मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब नहीं पसंद आया और इसलिए नहीं लिए। और फ्रेंड्स मतलब बहुत भीड़ थी, बहुत, मैं उतना सोची भी नहीं थी उससे ज़्यादा भीड़ थी। और मतलब 4 घंटा तो आपको कम से कम लाइन में लगता है। ये देखिए पीछे जितना लाइन है, बहुत लंबा लाइन है, वो तो दिख नहीं रहा है लेकिन जितना भी दिख रहा है पीछे जितना लंबा लाइन है उतना आगे भी है। और यहाँ पे बाबू बोल रहा था कि हम लोग भीड़ में फंसे हुए हैं, धूप में खड़े थे हम लोग धूप में। और जब मैं घर आई तो तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा मुझे मेडिसिन लेना पड़ा क्योंकि हम लोग धूप में बहुत देर खड़े रह गए। ये देखिए लंबा लाइन, एकदम लग रहा था कि कितना जल्दी चल ही नहीं रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, बस कहना है नहीं कितना लंबा लाइन था। तो बस हम लोगों ने माता रानी परीक्षा ले रही थी तो हम लोगों ने वो पास किया और यहाँ तक आ गए, मंदिर के जस्ट पास आ गए हैं आप। और अभी तो छाया है तो ठीक है, नहीं तो धूप में हम लोग बहुत देर से खड़े थे तो एकदम मुँह बिल्कुल बन गया था। और गुनगुन दर्शन कर लिए उसकी, अपनी मामी जी के साथ वो जल्दी आगे ही चली गई थी तो किसी तरह से करके तो वो दर्शन कर ली है। तो वही अभी मेरा शूट कर रही है लेके मोबाइल। और ये देखिए पीछे भी आ रहा है भीड़ बहुत ज़्यादा। तो अभी चलिए हम चलते हैं मंदिर में, अंदर तो मोबाइल नहीं लेने जाने देंगे लोग, क्योंकि अभी तो सिर्फ बस वैसे ही प्रसाद चढ़ा के हम लोग निकल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारा मंदिर में ऐसा होता है कि मोबाइल नहीं ले जाया जाता है, कहीं अंदर मंदिर में मोबाइल लोग नहीं लेने वो करते हैं, ले जाने देते हैं। तो ये देखिए आ गए हैं, अभी हम लोग निकल के दर्शन करके माता रानी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेके हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग जाएंगे घर। तो उससे पहले मेरा तो फास्ट था, लेकिन जो जो जिनका नहीं फास्ट है वो कुछ खाएंगे पिएंगे। यहाँ पे मेला बहुत बड़ा लगा हुआ है तो वहीं पे ये लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, और मैं अभी यहाँ पे वो थोड़ा जूस वगैरह पी लूँगी। यहाँ पे ये देखिए ये तालाब जैसा भी है, यहाँ पे ये देखिए बहुत पार्क भी बहुत बड़ा है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।